हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्मार्ट वॉच का वाटरप्रूफ टेस्ट दिखाऊंगा। तो गाइस, आपकी कोई भी स्मार्ट वॉच हो, आप देख सकते हो कि अगर आप स्मार्ट वॉच को वाटर में डुबाओगे तो स्मार्ट वॉच वर्क करेगी या नहीं। तो अगर कभी आप बरसात में भी पहनते हो तो आप देख सकते हो कि स्मार्ट वॉच वर्क करेगी क्या नहीं। तो मैं आपको आज वाटरप्रूफ टेस्ट दिखाऊंगा। तो मैं ये वाली वॉच को वाटर में डुबाने वाला हूँ, जिसका नाम है T900 अल्ट्रा। तो आप देख सकते हो कि वॉच फुल वर्किंग में, इसका हर एक चीज़ चल रही है, स्पीकर्स वर्किंग में। आप देख सकते हो कि पूरी स्मार्ट वॉच अच्छे से वर्क कर रही है। इसका मेन्यू स्टाइल है, बिल्कुल स्मूथ स्मार्ट वॉच है। मैं पर आपको आज ये दिखा देता हूँ कि ये वाटर में प्रूफ है या नहीं। तो वाटर प्रूफ है या नहीं मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइस, ये गैलेक्सी वॉच है, तो गैलेक्सी वॉच वाटर प्रूफ ही होती है। तो गाइस, ये जो वॉच है ना गाइस, इसमें एक वाटर ड्रेनिंग सिस्टम होता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ एक आपको वाटर ड्रेनिंग सिस्टम देखने मिलेगा, जिसमें आप स्मार्ट वॉच को वाटर जो है वो ड्रेन कर सकते हो। यहाँ आप देखोगे तो वाटर पूरा बाहर आता है स्मार्ट वॉच से। तो इसमें पूरा वाटर ड्रेनिंग सिस्टम होता है। पर गाइस, तो गाइस नॉर्मल स्मार्ट वॉचेस में कोई भी वाटर ड्रेनिंग सिस्टम नहीं होता है। तो मैं आपको वॉच को डुबा के दिखा देता हूँ। ये स्मार्ट वॉच तो 100% सर्वाइव कर पाएगी, क्योंकि गैलेक्सी वॉच है। पर जो भी आपकी नॉर्मल स्मार्ट वॉचेस होती है वो सर्वाइव कर पाएगी या नहीं, उसकी गारंटी नहीं है। तो मैं आपको वाटर में डुबा के एक बार दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं वॉच की बेल्ट रिमूव कर देता हूँ, ताकि ये पानी में अच्छे से डूब पाए। तो यहाँ से मैंने इसकी बेल्ट रिमूव कर दी है। तो गाइज, वैसे तो मैंने ये स्मार्ट वॉच 900 रुपीज में परचेस की थी, पर गाइज किसी ना किसी को तो वाटर टेस्ट करके दिखाना ही पड़ेगा, ताकि मालूम हो जाए कि स्मार्ट वॉच वाटर प्रूफ होती है या नहीं। तो गाइज, अब मैं इसको ग्लास में डुबा देता हूँ। तो गाइज, मैं इसको 15 सेकेंड्स के लिए रखूँगा। तो मैं एक टाइमर लगा देता हूँ फ़ोन में, ताकि आपको समझ जाए कि मैंने इसको 15 सेकंड्स के लिए रखा है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं अभी इसको डाल दूंगा पानी में। तो मैं, आप देख सकते हो कि स्मार्ट वॉच में पानी जा रहा था, बबल जा रहे थे, इसका मतलब स्मार्ट वॉच के अंदर पानी जा रहा है। ये देखिए, बबल जा रहे हैं। तो 15 सेकंड्स के लिए मैं इसको रखूंगा। तो यहाँ मैंने 15 सेकंड्स के लिए इसको रख दिया। अब मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। तो आप देख सकते हो कि स्मार्ट वॉच जो है वो वाटर पी रही है। ये देखिए, पूरा वाटर अंदर जा रहा है। अब देखिए, मैं इसमें से वाटर ड्रेन कर रहा हूँ धीरे धीरे। तो आप देख सकते हो कि अब मैंने इसका डिस्प्ले ऑन किया है तो बिल्कुल भी वर्किंग में नहीं है। मैंने स्मार्ट वॉच को फुल चार्ज भी किया था, पर आप देख सकते हो कि वर्क नहीं कर रही है। तो स्मार्ट वॉचेस बिल्कुल भी वाटर रेसिस्टेंट नहीं होती है। आप देख ही सकते हो कि ये स्मार्ट वॉच अब पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है, क्योंकि स्मार्ट वॉचेस काफ़ी कम प्राइस में होती है। अब जैसे कि गैलेक्सी वॉच है तो काफ़ी महंगी वॉच है, पर स्मार्ट वॉचेस तो काफ़ी कम कॉस्ट में होती है। तो आप देख सकते हो कि ये वॉच पूरी तरीके से डेड हो चुकी है। तो गाइज, आप ये गलती मत करना, आप अपनी स्मार्ट वॉच को पानी के अंदर मत डालना। अगर आप पानी के अंदर डालोगे तो स्मार्ट वॉच ख़राब हो जाएगी, क्योंकि आप देखोगे तो बबल्स आ रहे हैं, बबल्स पूरे मशीन के अंदर जा रहे हैं। इसका मतलब स्मार्ट वॉच जो है वो वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकती है। तो आप नॉर्मल स्मार्ट वॉचेस को वाटर में मत डुबाना। अगर आपकी थोड़ी महंगी स्मार्ट वॉच है, जैसे कि गैलेक्सी वॉच है, एप्पल वॉच, तो भी अवॉइड करना। पर गाइस, स्मार्ट वॉच सर्वाइव नहीं कर पाती, क्योंकि पहले कम प्राइस होती है, तो इतने कम प्राइस में क्या क्या मिलेगा। तो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।